नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से एक खबर सामने आई है, जो आपको बता दें कि कोरोना की तर्ज पर अब टीबी के मरीजों की भी पहचान की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कोरोना की तर्ज पर अब टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी। जिलों में, सभी जिलों में जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी टीमों को गठित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि टीबी के लक्षण युक्त लोगों की टीम अब पहचान करेगी और साथ ही टीबी के लक्षण युक्त लोगों की जांच की जाएगी और इस जांच के बाद उनका इलाज किया जाएगा। बड़ी कोरोना की जांच की गई थी और कोरोना मरीजों की पहचान की जा रही थी, अब उसी तरह यानी कोरोना की तर्ज पर ही सतर्कता के साथ टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी और उसके बाद उन्हें पहचान करने के बाद उनका इलाज होगा। जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें गठित की जाएंगी, जो टीमें वहां पर मरीजों की पहचान करेंगी और टीबी के लक्षण युक्त लोगों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनका इलाज हो सकेगा। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। तकरीबन 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर से अयोध्या में होंगे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा से खास संदेश इनके निकल रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसे का संदेश तो है ही, साथ ही सरकारों पर ज्यादातर प्रतिबद्धता और सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण समेत कई और विशिष्ट संकेत भी निकल रहे हैं। तो वहीं दीपोत्सव 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के हर मोर्चे पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात SPG कमांडो रडार पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे उनके सभी हैं। आपको ये बता दें कि SPG वहां पहुंच चुकी है अयोध्या में और लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखे हुए हैं और इसी बीच मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिर उनके रडार पर है। यही कारण है कि संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षकों के साथ SPG के इंटेलिजेंस के जवान खुद रेकी कर रहे हैं। इसके पहले SPG कमांडो ने सभी रास्तों की रेकी की थी। और दिवाली से पहले ही अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक देखने लायक है। दीपोत्सव मनाया जाएगा आज, लेकिन अयोध्या की जो छटा है वो पहले से ही रंगीन हो चुकी है। हर ओर बस चमक चमक और चमक है। लोग उस पल के इंतजार में हैं जब एक बार फिर से अयोध्या को देखने के लिए दुनिया की आंखें टिकी रहेंगी। इस इंतजार में कि अयोध्या में अब दीपोत्सव होगा और वो भव्य दीपोत्सव की झलक पूरा विश्व देख पाएगा। अब हम आपको अयोध्या की हर वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर है और अब कैसा लग रहा है अयोध्या, वो भी आप देखिए। बन ठन कर सज कर संवर कर तैयार है अयोध्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। घाटों पे दीपक बिछा दिए गए हैं, दीपक इतने कसीदे से लगाए गए हैं कि जो भी देख रहा है बिल्कुल खुश हो जा रहा है कि कितने कसीदे से लगाए गए हैं ये दीपक यहाँ पर। वॉलेंटियरों को भी खास हिदायत दी जा रही है कि एक एक दीपक को इस ढंग से लगाना है कि जो भी देखे दीवाना सा हो जाए इस प्राकृतिक छटा का। प्रकृति ने भी साथ दिया है यहाँ पर इस दीपोत्सव को सफल बनाने में। बस कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन है और वो आएंगे और प्रथम दीप प्रज्वलित करके इस दीपोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। एक एक चीज़ को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है, कहीं कोई कमी ना रह जाए, हर चीज़ को बहुत ही कसीदे से किया गया है। बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र है। SPG आज से ही इस पूरे ग्राउंड को अपने कमांड में लेने वाली है। और मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं, यही वो स्टेज है, यही वो मंच है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का दर्शन करेंगे। हर एक चीज़ को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है और मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं कि किस तरह से मंच लगाया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यही वो मंच है जहाँ से वो खड़े होकर इस दीपोत्सव का
दर्शन करेंगे, दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का अवलोकन करेंगे। रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं, यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं नीचे रंगोली भी बनाई जा रही है, जो वहाँ पे खड़े होने के बाद एक एक चीज बहुत ही अच्छे से दिखने वाली है। पूरी खूबसूरती यहाँ पर उखेरी जा रही है, प्राकृतिक छटा यहाँ पर बिखेरी जा रही है, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन कर दिखाएं किस तरह से दीपों को यहाँ पर सजाया गया है, एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है। वॉलेंटियर लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, हर एक चीज पर पैनी नजर जमाए हुए हैं, साफ सफाई हो या रंग बिरंगी लाइटें हो। मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूंगा, दिखाएं किस तरह से लाइटें लगाई गई हैं, एक एक चीज को। अभी शाम होते ही ये लाइटें जगमगाना शुरू कर देंगी, रंग बिरंगी लाइटें इस पूरे राम के पैड़े को बहुत ही भव्य व खूबसूरत बना देंगी। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया। इधर कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम से सारी लाइटों को यहीं से व्यवस्थित किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, दिखाएं ये सामने कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम से सारी लाइटें यहीं से संचालित की जाएंगी, यहीं से साउंड का सारा सेटअप तैयार किया जाएगा और मंदिरों को भी बहुत अच्छे से रंग रोगन किया गया है। कुल मिला के बात की जाए व्यवस्था की तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, एकदम से रेडी है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, इस भव्य दीपोत्सव का स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन रामचंद्र के साथ अनिल मिश्रा, आर्य न्यूज, अयोध्या। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इसरो का रॉकेट LVM3 एक निजी संचार फर्म OneWeb के 36 सैटेलाइट्स को लेकर श्रीहरिकोटा लॉन्च हो गया है। अगले साल की पहले 6 मई में यानी LVM3 द्वारा 36 वेबनेट उपग्रहों का एक और सेट लॉन्च किया जाएगा और बताया जा रहा है कि जनवरी के महीने में ही अगले साल ये लॉन्च हो सकता है। ये लॉन्च 23 अक्टूबर रात को 12:07 पर हुआ। दरअसल आपको बता दें कि OneWeb के साथ इसरो की डील हुई है और वो ऐसी दो लॉन्चिंग करेगा, यानी 23 अक्टूबर की लॉन्चिंग के बाद एक और लॉन्चिंग होनी है और माना यह जा रहा है कि अगले साल जनवरी में OneWeb के लिए दूसरी लॉन्चिंग भी संभव है। इन सैटेलाइट को धरती के निचली कक्षा में तैनात किया जाएगा और ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इनका नाम OneWeb लियो यानी कि OneWeb लियो रखा गया है ताकि LVM3 रॉकेट की जो पहली व्यावसायिक उड़ान है। गौरतलब है कि इसके पहले साल 2019 में इस रॉकेट के चंद्रयान 2, 2018 में GSAT-2 और 2017 में GSAT-1 और उससे पहले साल 2014 में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री और केयर को लेकर इसे लॉन्च किया गया था। ये सारे ही मिशन भारत सरकार से जुड़े हुए थे, लेकिन ये पहला मौका है जब कोई निजी कंपनी का सैटेलाइट इस रॉकेट में जा रहा है। अब तक इस रॉकेट से 4 लॉन्चिंग की गई हैं और चारों लॉन्चिंग रही वो सफल रही हैं। ये इसकी 5वीं लॉन्चिंग बताई जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि एक और लॉन्चिंग है जो अगले साल जनवरी में हो सकती है। और अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 28 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। इस दौरान तापमान में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, हालांकि सर्दी का जो असर है वो बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम के साथ साथ रात में भी मौसम नरम हो गया है और ठंड में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं अब ओस के साथ कोहरा और धुंध छाने का भी अनुमान है। आपको बता दें कि शनिवार को भी पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और धूप निकली। हालांकि राज्य की राजधानी लखनऊ में आसमान साफ रहा और मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान शनिवार को सामान्य से 2 ज्यादा 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ दीपावली से पहले ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। रविवार की सुबह ही उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दयानंद विहार में स्थित अपने निवास को बेच दिया है और इस आवास में डॉक्टर दंपति श्रुति बाला और डॉक्टर शरद कटियार रहेंगे।
तो आपको बता दें कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कानपुर में मकान की रजिस्ट्री हो गई है और कोविंद ने जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है वो आनंद कुमार के नाम कर दी थी। उन्होंने शुक्रवार को ही कानपुर में रजिस्ट्री करवा दी थी और इंदिरा नगर दयानंद विहार के एम ब्लॉक में रामनाथ कोविंद का ये मकान है और महामहिम वहां रहते थे। वहां उनकी पत्नी सविता कोविंद आती थी और साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनते ही उनके कानपुर का यह आवास सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। प्रोटोकॉल के तहत पुलिस ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी थी और साथ ही पुलिस की एक कंपनी उनके निवास पर तैनात रहती थी। उनके मकान के चलते ये क्षेत्र अब VIP दर्जा रखता है और दयानंद विहार को नगर निगम विद्युत और वन विभाग से भी प्रयास कर सुंदर और सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने में लगातार बलबीर सिंह के नेतृत्व में समिति ने काम किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बुलेटिन में। अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए एक भावुक ट्वीट किया है। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो के माध्यम से सपा प्रमुख अपने पिता की पुरानी यादों को दिखाना चाहते थे। इस वीडियो में नेताजी अपनी कुश्ती का एक दाव लगाते नजर आ रहे हैं और दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के कुश्ती के दाव की काफी चर्चा होती रही है। खासतौर पर कुश्ती के चरखा दाव खासा चर्चा में रहता था। आपको बता दें कि अपने इसी दाव को लेकर नेताजी काफी चर्चाओं में रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि नेताजी कुश्ती के इस दाव में सबको चित कर देते थे। इसी चरखा दाव का वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया जिसमें नेताजी कैमरे पर चरखा दाव लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में मुलायम सिंह यादव पहले एक व्यक्ति को नीचे झुकाते हैं, उसके बाद उसको पीछे की तरफ से पलट देते हैं। कहा यह जाता है कि नेताजी ने इस दाव से कई पहलवानों को चित किया था और इस वीडियो में वहां मौजूद लोग नेताजी के इस दाव को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वही नेताजी भी ये दाव बताने के बाद वीडियो में हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में मुंबई निकाय चुनाव से पहले संभावित राजनीतिक गठजोड़ के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के द्वारा आयोजित दिवाली कार्यक्रम में मुलाकात करते हुए दिखे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दीपोत्सव समारोह में दोनों नेताओं का स्वागत किया और इससे पहले NCP प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे और फडणवीस से मुलाकात की थी। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने नया एक रहस्य उद्घाटन करते हुए उद्धव गुट पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव गुट की शिवसेना के 4 और लोग उनके संपर्क में हैं और उद्धव गुट की शिवसेना अब सिर्फ मातोश्री तक ही बची है। अपने इस बयान में उन्होंने और क्या कुछ खुलासा किया वो भी आप सुनिए। मला वाटतं चांगलं ते पाव पंतप्रधानांनी चांगलं काम केलं, तरुणांच्या जीवनात एक आनंद मिळून दिला। 75,000 तरुण तरुणी म्हणजे तेवढीच कुटुंब झाली, त्यांच्या घरात दिवाळीनिमित्त आज आनंद असे नोकरी मिळाली म्हणून हे काम चांगलं काम मोदी साहेबांनी म्हणजे भारतीय जनता पक्ष करत असताना जर कोण राजकारण करत असतील तर मी आजच्या दिवाळीच्या शुभ दिवशी त्यांना काही बोलणार नाही। सर, शिधा वाटपाचा एक मुद्दा आलाय ज्यावरून आता म्हटलं जाते की तुम्हाला शिधाच वाटायचा होता, तर पॅकेजवरती मोदींचा शिंदेचा आणि फडणवीसांचा फोटो का, त्यामुळे 28 फोटो दिला काय बिघडलं? फोटोवर दुसरा कागद टाका आणि पाकिट फोडा म्हणा एवढं जर तुम्हाला वाईट वाटतं तर, नाही तर तुमचा फोटो जर हवा असेल तर तुम्ही पॅकेट बनवून लोकांना द्या ना। एवढी संकुचित वृत्ती असू नये ना, फोटोमुळे आक्षेप घेणं ही संकुचित वृत्ती झाली। वेळ गेलेला आहे, नागरिकांना वाट पाहावी लागते। नाही नाही, काही वाट पाहायला नाही, ते हे राजकारण केलं जातं टीका करायला निमित्त। आता हातात काय राहिलं नाही, घर बसल्या त्या घर बसल्या हे सगळं षडयंत्र करत राहायचं एकच काम आहे। सर, शिवतीर्थावर काल मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पर जनजातीय बंधुओं का पूरा विश्वास है।
दूसरे दल कितना भी प्रयास कर ले इस अटूट विश्वास को नहीं तोड़ पाएंगे। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कुछ कटाक्ष किए वो भी आप सुनिए। जनजाति बंधुओं पर नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए, 46 में से 32 पर भारतीय जनता पार्टी आई। इस वानगी को आप उठा सकते हैं कि पूरा विश्वास जनजाति बंधुओं का, आदिवासी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी पे है। अब ये कोई भी दल आए, उन्होंने देख लिया कि देश के सर्वोच्च पद पर आदरणीय मुर्मू जी जो कि जनजाति वर्ग से आती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। स्वयं प्रधानमंत्री जी भोपाल में बड़े कार्यक्रम में आके घोषणा करके गए और जमीन पर भी उतर गई घोषणा है। उसके पहले माननीय अमित शाह जी जबलपुर में आए थे और जबलपुर में कार्यक्रम किए। 15 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती, आप इंदौर वाले उसके साक्षी हैं। तो इसलिए जनजाति बंधु हमारे समझ चुके हैं, परिणाम आपके सामने। एक राकेश गुर्जर का मकान था, उसने किराए पर जमील खान जी को दिया हुआ था, उसमें बारूद में विस्फोट हुआ। जो स्टोर में बारूद रखी थी उससे पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया, जिसमें जमील खान जी की पत्नी, उनकी बेटी गोलू प्रजापति, पप्पू प्रजापति, गोलू प्रजापति पप्पू गुर्जर, ये काल कवलित हुए हैं। बहुत दुखद प्रसंग था, चूंकि मकान पड़ोस का भी गिर गया और 6 लोग घायल उसमें हुए थे। FIR उसमें हो गई है, जमील खान जी अंडर कस्टडी हैं। उन्होंने जहां से बारूद ली थी उन लोगों को लिए भी पुलिस गई हुई है। उस बीट के जो थानेदार प्रभारी थे उन्हें निलंबित किया है, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है, आरक्षक को निलंबित किया है, चारों लोग निलंबित कर दिए। जांच में TI SDOP को भी लिया है और पूरे प्रदेश में इस तरह की जो संग्रहण बारूद का किसी ने न किया हो, इकट्ठा न किया हो, इसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया है। अवैध रूप से, और इसलिए पूरे प्रदेश में अलर्ट किया है। गुजरात ने एक वैश्विक नेतृत्व दिया है, पूरा देश उससे प्रकाशित है, आलोकित है। उनके आभा मंडल के प्रकाश में ही हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और लोकतंत्र के होने वाले चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी, उनका आभार। खबर अब गोरखपुर से है, जहां आबकारी आयुक्त के आदेश अनुसार चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के तहत आज आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 अरविंद कुमार मिश्र और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 उनके द्वारा अवैध और कच्ची शराब के कई संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई है। बताया जा रहा है कि थाना शाहपुर में बंदिक टोला और व्यासनगर, पादरी बाजार, मोहनापुर थाना और खोराबार में रजही और पीगंज में दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया गया, साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत 4 अभियुक्त पंजीकृत कर लिए गए हैं। परिवर्तन अभियान के तहत कच्ची एवं अवैध शराब के खिलाफ आज कई स्थानों पे दबिश दी गई है। थाना शाहपुर के अंतर्गत पादरी बाजार में, व्यासनगर, मोहनापुर और बधिक टोला में दबिश दी गई, फिर रजही में थाना खोराबार के अंतर्गत दबिश दी गई है, और लगभग में 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ये हम लोगों का लगातार रहता है, प्रतिदिन का कार्यक्रम है कि जहाँ कहीं ऐसी सूचना मिलती है और इस तरह की शराब बिकती है उस पर हम लोग कार्रवाई निरंतर करते रहते हैं। और शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर द्वारा अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देने के बाद उनके शिंदे गुट में जाने की अफवाह का खूब
यहाँ पर सुर्खियां बन रही हैं और ये अफवाह खूब हवा में फैल रही है। बताया जा रहा है कि इसी विषय पर मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने सफाई पेश करते हुए पत्रकारों से बात की। क्या कहा उन्होंने वो भी आप सुनिए। सूचना असती की संध्याकाळच्या वेळेला आपला विंडो बंद ठेवा, तेलाच्या दिवे लावून झगमग हवंय पण ते आपण बॅटरीवरती लागणारे दिवे लावले तरी चालेल, कारण आगीच्या घटना वाढत आहेत आणि आता मोठ्या मोठ्या इमारती आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाने स्वतःचं कुटुंब आणि स्वतः वाचण्यासाठी जे जे करता येईल ते करा। आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या आणि हार्दिक सदिच्छा आणि शुभेच्छा आणि आरोग्यदायी मंगलदायी ही दिवाळी जावं अशी प्रार्थना। आता राहिला तुमचा प्रश्न, या महाराष्ट्रामध्ये जे मेमध्ये खरं ही धुळवड मार्चमध्येच होळीच्या वेळेला उडत होती, पण त्या धुळवडीचं एवढं सिरियसली कोणीच घेतलं नाही, कारण इतकं अधपतन होईल या राजकारणाचं असं कोणालाही वाटलं नव्हतं। गट फुटणे, गट इकडे तिकडे जाणं, नगरसेवक जाणं, आमदार जाणं, खासदार जाणं हे तर देशात घडतं आहे, जगात घडतं आहे, पण महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींनी तरुण पिढीनी राजकारणात येऊच नये, सुशिक्षित वर्गाने राजकारणात येऊच नये हा जो काय पायंडा घातला गेलाय त्याला मात्र छेद नक्की दिला जाणार आणि तो छेद आदित्य उद्धवजी ठाकरे हे त्यांच्या चांगल्या वागणुकीने एक चांगला आदर्श पायंडा कायम घालत आलेत। आणि मला माहिती आहे आज शिवाजी पार्कमध्ये जी काही रोषणाई अर्थात मनसेची रोषणाई गेली 10 वर्ष होती, त्याच्यात काही नवीन नाही आहे। त्याच्यात नवीन हे आहे की आज तिघही एका व्यासपीठावर आले। आता तिघही व्यासपीठावर आल्यानंतर मी जे म्हणजे खरं दिवाळीत चांगलं बोलावं पण नाहीलाच आहे, मी नेहमीच म्हणते घर फिरलं की घराचे वाशे फिरतात, इथे वाशे पहिले फिरले आणि आता घर फिरवत आहे। योजना असती की संध्याकाळच्या वेळेला आपला विंडो बंद ठेवा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।